सो हेलो फ्रेंड्स, आप पालक देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज पालक की भाजी बनने जा रही है, यानी आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है। बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्सों का यूज़ पड़ेगा। तो इसके लिए हमने दो आलू को छील कर काट लिया है और हम यहाँ पर दो टमाटर ले रहे हैं, इनको भी मैं अभी काट लूँगी। और मैंने यहाँ पर दो प्याज भी ली है और एक आम की गोही ली है मैंने, जो हमारी मैंने और भी हमारी कद्दू की रेसिपीज़ में बताया है कि आम की गोही, अगर हमारे पास आम चूर ना हो तो ये बहुत अच्छा हमें हेल्प करती है हमारे खाने को खट्टा मीठा स्वाद देने में। इसलिए मैं यहाँ पर आम की गोही ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर चार मिर्च को काट लिया है और यहाँ पर मैंने अदरक को कद्दू क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं, पर मैंने इसे छिलनी से इसे छील लिया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे चार पांच लहसुन की कलियों को काट लिया है। तो गाइस, इन इंग्रेडिएंट्सों को अब हम फ्राई करेंगे और हमारी आलू पालक की सब्जी में ऐड करेंगे। तो गाइस, अब हमारी जो पालक है अब हम उसे भी अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैं पालक को काट रही हूँ। इस तरीके से आप सारी पालकों को काट लेंगे। सो गाइस, अब हमारी सारी पालक कटकर रेडी है। तो अब हम इन्हें सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्राई करेंगे और फिर हमारी आलू पालक की टेस्टी लाजवाब सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। सो गाइस, अब हमारी तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। जीरे को भी हम अच्छे से चटकने देंगे, भुनने देंगे, उसी के बाद हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अब हमारे जीरे अच्छे से चटक चुके हैं तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हम सारी ऐड कर देंगे और अब इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे जो हमने काट कर रखे थे। सारे लहसुन हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हमने सारी हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे। मैंने प्याज को पहले इसलिए नहीं भूंजा क्योंकि मिर्ची और भी चीज़ें जो हमारी है, लहसुन, सबको भूनने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले कढ़ाई में तेल में डाल दिया, फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ भूंज लूँगी। तो आप भी इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्सों को अच्छे से फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, बिकॉज अगर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई नहीं करेंगे तो हमारे इंग्रेडिएंट्स कच्चे लगेंगे और जो भाजी में बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं देंगे। इसलिए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सबको अच्छे से भूनने तक फ्राई। सो गाइस, अब हमारी प्याज और सारी वेजेस भुन चुकी हैं तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हम सारे आलू को ऐड कर देंगे हमारी प्याज और सारी वेजेस में। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। हम इसे चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे सारी वेजीज के साथ। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। जब हमारी प्याज और आलू भुन चुके हैं तो अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करी है। गाइस, आप अपने स्वाद और अपनी वेजीज, आप कितनी पालक यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से अब हम इसमें टमाटर भी हमारे ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से आलू, प्याज और सभी वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके पालक ऐड कर देंगे धीरे धीरे।
थोड़ी थोड़ी पालक हम इसमें ऐड कर कर चलाएंगे, क्योंकि एक साथ सारी डाल देते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। सारी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, अब हमने हमारी सारी पालक ऐड कर दी है। अब हम इसमें हमारी जो आम की गोही थी मैंने वो भी ऐड कर दी है, और अब हम इसमें नमक भी ऐड कर दिए हैं। गाइस, मैंने आम की गोही ऐड करी है, आप ना भी डालें तो चलेगा, पर मेरे पास आम की गोही थी और अभी सीज़न भी है आम का, इसलिए मैंने आम की गोही ऐड करी। और टमाटर तो हमने डाला ही है तो इसलिए, पर आम की गोही भी अच्छा स्वाद देती है, नहीं तो आप आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने आमचूर की जगह इसे ही यूज़ किया, क्योंकि पालक में बिना खटास के पालक अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने उसमें टमाटर भी ऐड किया और मैंने उसमें गोही भी ऐड कर दी। अब हम इसे हमारी सारी सब्जी को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। गाइस, अब हमारी पालक थोड़ी थोड़ी पक चुकी है, यानी काफ़ी पक चुकी है, तो अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। मैंने इसे 10 मिनट के बाद चेक किया था तो ये इस टाइप से दिखी। अगर आपकी ज़्यादा पालक होगी तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, पर मेरी 10 मिनट में। सो गाइस, हमारी घर की होममेड आलू पालक की सब्जी बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।